हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नोकर स्पेंड के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज के डेली करंट अफेयर क्लास में हम 1 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो के साथ बने रहेंगे, ठीक है। जितने साथी हैं, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं है कहाँ से वीडियो को डाउनलोड करना है, तो वो सभी साथियों को गूगल में सर्च करना है www.naukrispen.com। देखिए, आपके सामने जो वेबसाइट दिख रही है, आपको इसको गूगल में सर्च करके आप डेली करंट अफेयर पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब विजिट करके जरूर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सफलता की उच्च उड़ान, देखिए, उड़ान तो भरना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। तो आपको अपने आप से लड़ना होगा, कंटिन्यू स्टडी करना है, डेडिकेट होकर स्टडी करना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। यदि आप कंटिन्यू रहते हैं तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी आप नौकरी के लिए सक्षम होंगे, ठीक है। तो आप लगातार लड़ते रहिए अपने आप से और स्टडी को कंटिन्यू रखिए। देखिए देखिए, 31 तारीख क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय लेखिका बन गई, वो कौन बन गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गीतांजलि श्री क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 31 तारीख क्लास के जितने भी क्वेश्चन ना, फटाफट से एक बार रिविजन कर लेते हैं, फिर वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को जो आज क्लास के वो डिस्कस करेंगे। देखिए, किस टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर IPL में 15वें सीजन जीत लिया है? किस टीम को गुजरात टाइटन्स ने हरा कर क्या जीत लिया है, जो IPL का जो 15वां सीजन है वो जीत लिया है, ठीक है। कौन जो फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया है? तो सांग कोंग हो को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बन गए हैं? तो एलन मस्क बन गए हैं। और हाल ही में RBI द्वारा जारी जो बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार कितने रुपए का नोट सबसे पसंदीदा नोट है? 100 रुपए का नोट, ठीक है। किस पंजाबी सिंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर क्या कर दिया, हाल ही में हत्या कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6ठा क्वेश्चन है। तो किस शहर में अडानी ग्रीन ने भारत की जो पहली पवन सौर जो हाइब्रिड बिजली जो सुविधा शुरू की है, तो कहाँ पे शुरू की है? जैसलमेर में। और हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया, ये भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है। जो विश्व तम्बाकू दिवस मनाया जाता है, कब इसलिए मनाया जाता है? 31 मई को ये दिवस मनाया जाता है। तो ये हमने प्रीवियस जो डे के किया गया करंट अफेयर क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते थे। फर्स्ट क्वेश्चन आज क्लास का हमारा, कि हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में भारत के प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, ये बायोटेक पार्क का जो उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है, ठीक है। जो बायोटेक जो पार्क है, ये क्या करेगा, अर्थव्यवस्था को बदलेगा, साथ में जो वैज्ञानिकों के जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को उसे भी निपटने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आने महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वो कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। और जम्मू कश्मीर का जो गठन है ना, केंद्र शासित प्रदेश कब मना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश मना था, ठीक है। अगर हम ये पार्लियामेंट में पास करते कब हुआ था, तो अगस्त 2019 में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला जो हर्बल जो महोत्सव आयोजित किया गया, कहाँ पर किया गया ये? तो ये जम्मू कश्मीर में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, पंचायती राज दिवस मनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत को चुना गया है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो ऐप लॉन्च किया है, कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च किया गया है। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन। तब सेकेंड हमारा, कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य के जो कलोल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में किया गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किस राज्य में सागर परिक्रमा प्रोग्राम 2022 का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर किया गया ये, गुजरात में किया गया है। और हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कहाँ पर आरोग्य भवन का उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रपति भवन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का जो 400 जो विश्व धरोहर स्थल चुना गया है वो कौन सा है, धौरवीरा गुजरात है। और हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य और ऊर्जा जो जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया तो गुजरात ने किया है। और किस राज्य ने डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की तो गुजरात के द्वारा ये मेजबानी की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा हमारा, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है तो कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर का जो बिहार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, बिहार के जो राज्यपाल वो कौन है, फागू चौहान है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी है। ठीक है, किस राज्य के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ 78,220 झंडे लहरा कर गिनीज जो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया तो कहाँ पे किया गया है, ये बिहार के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य में स्वर्ण पदक जीता है तो बिहार में जीता गया है। और नीति आयोग द्वारा जारी जो गरीबी सूचकांक में बहुआयामी गरीबी में कौन सा राज्य सबसे गरीब है तो इसमें बिहार राज्य सबसे गरीब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज़ को 34 साल के बाद सेवामुक्त कर दिया गया, तो कौन से जहाज को सेवामुक्त कर दिया गया है तो ऑप्शन डी इसका क्या एनएस गोमती क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो पोत है, ये तो जहाज है, ये जो ऑपरेशन कैक्टस, पराक्रम और रेनबो में किया गया तैनात किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी जो 34 करोड़ में पनडुब्बी को शामिल किया गया था, बेल्ला को किया गया है। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया गया था, INS खुकरी को कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, हाल ही में भारत में के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी जो रूप से डिजाइन निर्मित और किस गश्ती को सौंपा गया तो ICGS सक्षम को सौंपा गया है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन को पछाड़कर भारत का सबसे जो बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका बन गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालीकतन 2022 किया है, तो किस देश के बीच, अमेरिका और फिलीपींस के। ठीक है, ग्रैमी 2022 में किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है तो फाल्गुनी शाह के द्वारा ये जो पुरस्कार है जीता गया है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ को जो 6ठे उद्यमी नेता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, विवेक लाल को इसे सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है तो शांति शेट्टी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो 6ठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो संजीव नार्वेकर को इसे सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार सम्मानित किया गया था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किया गया है। और किस भारतीय उपन्यास में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है, टॉम ऑफ सैंड ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, ठीक है, तो इस पुरस्कार के उपन्यास के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, किसे वास्तविक जो औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 से दिया गया तो गोपाल कृष्ण नन के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। और हाल ही में किसे BT सम्मान दिया गया था, रोल्स रॉय इंडिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन को ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 का है कि हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया है, तो ये जो पुरस्कार दिया गया है किसको दिया गया, 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो RJ उमर को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए कि हाल ही में किसने अमेजोन के संभव जो एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 जीता है तो जीनियस एनर्जी के द्वारा जीता गया है। और किसे अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस, जो हार्डेस्ट प्लेस है के लिए विलियम ई कोल पुरस्कार जीता है तो किसने जीता है, वेस्ले मोर्गन द्वारा यह अवार्ड जीता गया है। हाल ही में किसने जो बंगाली मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है तो कैमरून एक्टिविस्ट के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, और किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुनिया की सबसे नर्स बनी है तो केन्या की ये नर्स सबसे नर्स बनी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं आठ क्वेश्चन की। जो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है ना, किस दिन मनाया जाता है? तो आठ का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आठ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो देख लीजिए। 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है, सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 10 की मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 के क्वेश्चन तक। 9 का हमारा, किसने मोनाको F1 ग्रैंड पिक द्वारा बाइक जीता है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्जियो पेरेजो के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, हाल ही में किसने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स द्वारा बाइक जीती है? तो चार्ल्स लेक्लर के द्वारा ये जीती गई है। और हाल ही में किसने F1 बहरीन ग्रैंड पिक्स द्वारा बाइक जीती है? तो चार्ल्स लेक्लर के द्वारा ये जीती गई है। ठीक है, आगे बढ़ते कि हाल ही में किसने जीती F1 जो एमिलिया जो रोमांगना जो ग्रैंड पिक द्वारा बाइक जीती, तो मैक्स वर्स्टापन के द्वारा ये जीती गई है। जिसका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया स्वास्थ्य कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया गया? तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया ना, किसके सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा। आना महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, किस मोटर व्हीकल कंपनी ने अनुभव नामक एक ऐप मोबाइल शोरूम ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, जो मोबाइल शोरूम जो लॉन्च किया गया है ये टाटा मोटर्स के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने गांजे की खेती को खत्म करने के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है? तो जो मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नॉन जो मुदलवन योजना को शुरू किया गया है? तमिलनाडु हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते, किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे वो देख लीजिए कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ का एथलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर कमेंट के माध्यम से बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर करेंगे। अब चलते हैं सामान्यगण डोजी क्लास के तहत। सामान्यगण डोजी में हमारी कौन सी क्लास है? 254 क्लास है। ऑलरेडी 252 क्लास को हम 53 क्लास को हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को। प्रति चक्रवात की आकृति जो समानता होती है कैसे होती है? गोलाकार होती है। पृथ्वी के जो वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो सौ मंडल में होता है। और वायुमंडल में सब में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो सौ मंडल के कारण ये होता है। और जो ड्रमलिन क्या है? तो अंडाकार पर्वत है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं सामान्य ज्ञान डोज के। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से रीड कर लेना। कहाँ से करना है रीड? आपको पीडीएफ डाउनलोड करके, तो पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है? ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप विजिट करके डेली का डबल की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली का डबल क्लास नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो सभी साथियों को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।